पिछले एक मिनट पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल मोदी जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था लेकिन दो बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्के हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से, यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए, और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल मोदी जी को दी। सर डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए हमें कई तरह की एप्रिहेंशन है कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कम्फर्टेबली बजट को पारित किया जा सके, ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिसेस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है, तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की, और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं
अपने कारणों से संकट में इतने ही। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में हैं सर? देखिए हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में हैं, जो छह जिन्होंने क्रॉस वोटिंग